नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2024 तक पूरा होगा टोपोलैंड भूमि का सर्वेक्षण। राज्य के अंदर ओपीडी का बदला समय। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव वाली याचिका को कोर्ट ने किया निष्पादित। कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस विधायक का बयान। हार्दिक ने बताया WTC 2023 फाइनल में खेलेंगे या नहीं। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में लोगों को दिसंबर तक फ्री मिलेगा अनाज। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब बिहार के लोगों को मुफ्त खाद्यान्न का लाभ दिसंबर तक मिलेगा। यानी कि अब राज्य के अंत्योदय परिवार दिसंबर तक 35 किलोग्राम खाद्यान्न ले सकते हैं, तो वही पूर्वी कर्ता परिवार दिसंबर तक 5 किलो खाद्यान्न ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। मालूम हो कि पूरे देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने बिहार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया है, जिसका लाभ न केवल राज्य में रहने वाले लोग बल्कि बिहार के वैसे लोग जो राज्य के बाहर रहते हैं उन्हें भी मिल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए सदन में 1,242.03 करोड़ के बजट पर सहमति प्रदान की गई है। 2024 तक पूरा होगा टोपोलैंड भूमि का सर्वेक्षण। राज्य में टोपोलैंड भूमि के सर्वेक्षण का कार्य गठन किए गए उच्च स्तरीय समिति के द्वारा वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए समिति के द्वारा कार्रवाई का निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि टोपोलैंड भूमि के सर्वेक्षण को लेकर महाधिवक्ता से भी राय ली गई है, जिसमें कहा गया है कि ये जमीन सरकार की है और साथ ही इस जमीन की कैडस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे में सर्वेक्षण का काम अधूरा और छूटा हुआ है, जिस वजह से इस भूमि से लगान का भी अभाव है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की जमीन का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया स्तर पर किया जाता है, जबकि म्यूटेशन का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही टोपोलैंड भूमि का रसीद काटना अवैध माना जाता है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। पिछले दिनों से मौसम विभाग की ओर से बिहार में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहीं अब आज सुबह सुबह तेज तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से बिहार के मुजफ्फरपुर में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बता दें खेतों को देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे फसलों के बीच सफेद चादर बिछी हो। वहीं अब फसल के बर्बाद होने से किसानों के बीच काफी चिंता है। हालांकि मौसम में बदलाव होने से कितने फसल को नुकसान पहुंचा है इसका आकलन नहीं किया जा सका है, लेकिन जिन फसलों को भारी नुकसान हुआ है उनमें गेहूं, मक्का, दलहन और सब्जी की फसलें शामिल है। इसके अलावा कई फूस के और कच्चे मकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अंदर ओपीडी का बदला समय। बिहार में जब से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हाथों गई है, तब से पूरी कोशिश की जा रही है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में वह सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, जिससे लोगों को इलाज करवाने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि तेजस्वी यादव के द्वारा ओपीडी को लेकर एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सदर अस्पतालों में ओपीडी के समय में बदलाव कर दिया गया है। बता दें कि अब बिहार के लोगों को ओपीडी की सुविधा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 6 बजे तक मिल सकेगा। इसके लिए निबंधन करने का समय पहले शिफ्ट के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरे शिफ्ट के लिए निबंधन करने का समय शाम 3:30 बजे से 5 बजे तक किया गया है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति ओपीडी को लेकर कोई शिकायत या कोई सुझाव देना चाहता है तो वह जारी किए गए नंबर 104 पर कॉल करके दे सकते हैं। शराबबंदी पर कांग्रेस विधायक का बयान। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन यानी कि आज बिहार में शराबबंदी को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के द्वारा कहा गया है कि बिहार में शराबबंदी सफल तो है, लेकिन फिर भी माफिया और पदाधिकारी के मिली भगत से अभी भी कई जगह शराब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सीएम नीतीश से पूरी उम्मीद है कि वह शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर पत्र भी लिखा गया है। अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पर समीक्षा करके कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं शराबबंदी कानून को करने को लेकर उन्होंने कहा कि शराबबंदी को किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जाना चाहिए, इससे गरीब लोग बहुत खुश है। सरकार की नीयत सही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज भी शराब मिल रहे हैं। IBFA 2023 में पवन सिंह को मिला 2 अवार्ड।
तीन साल बाद आयोजित किए गए इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को दो अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें कि पहला अवार्ड उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया तो वहीं दूसरा अवार्ड उन्हें बेस्ट सिंगर के लिए दिया गया है। मालूम हो कि उन्हें अवार्ड बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही पवन सिंह ने जैकलिन के लिए भी एक गाना गाया। बता दें कि इस अवार्ड शो का आयोजन दुबई में किया गया था जिसमें पवन सिंह के साथ साथ रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, रसीम देसाई, अरविंद अकेला, रितेश पांडे और स्मृति सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हुए थे। इस अवार्ड शो में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड भोजपुरी अभिनेत्री हर्षिका पुंचा को मिला तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड स्मृति सिन्हा को दिया गया। जीविका से जुड़ी ये महिलाएं अब बनेंगी विद्या दीदी। बीते दिन बिहार विधानसभा में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में जीविका से जुड़ी वैसी महिलाएं जो 12वीं पास है और जिनकी उम्र 40 वर्ष तक है वे अब विद्या दीदी बनेंगे। बता दें कि ये सभी विद्या दीदी राज्य के 32 जिले के 100 प्रखंडों में खुलने वाले सामुदायिक पुस्तकालयों सह करियर विकास केंद्रों में लाइब्रेरियन के रूप में जुड़ेंगी जिन्हें मासिक मानदेय के रूप में 6,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विद्या दीदी बनने का अवसर उन्हें ही दिया जाएगा जो जीविका समूह की सदस्य या समूह से जुड़ी कोई सदस्य होंगी। वही विद्या दीदी के चयन के लिए उनको प्रखंड के किसी ग्राम पंचायत का निवासी होना भी अनिवार्य है। कटिहार में भटक रहा विदेशी नागरिक हिरासत में। बिहार के कटिहार थाना क्षेत्र के सही चौक से नगर थाना पुलिस के द्वारा कटिहार में भटक रहे एक विदेशी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक की पहचान नासिर यूसुफ वजा के रूप में की गई है जो फिनलैंड का निवासी है। पुलिस के द्वारा की गई पूछताछ से यह बात निकलकर सामने आई है कि पहले उसने खुद को फिनलैंड का निवासी बताया और फिर उसने खुद को जम्मू कश्मीर के बड़गाम का निवासी बताया है। उसने बताया कि वह 2 वर्ष पूर्व फिनलैंड में रहता था और उसने वहां शादी भी की थी जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और उसकी जानकारी तुरंत एसपी को दे दी गई जिसके बाद खुफिया विभाग समेत अन्य विभाग के द्वारा विदेशी नागरिक से पूछताछ शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जांच में यह भी बात सामने आई है कि इसके पिता का आतंकी कनेक्शन है। फिलहाल पुलिस यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि वह कटिहार क्यों और कैसे पहुंचा। नए सत्र से MBBS में बढ़ेंगी इतनी सीटें। अगर आप भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि नए सत्र से मेडिकल कॉलेजों में MBBS में 1300 सीटों में बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि नए सत्र से MBBS की सीट बढ़ने से ऑल इंडिया कट ऑफ में भी कमी आ सकती है जिसका फायदा सीधे स्टूडेंट्स को मिलेगा। बता दें कि वर्ष 2022 में मेडिकल सीटों पर सामान्य वर्ग के 602 अंक हासिल करने वाले को MBBS की अंतिम सीट मिली थी। मालूम हो कि फिलहाल पूरे देश भर में MBBS की कुल सीटें 1,01,043 है जिनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 52,778 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 48,265 सीटें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीट 2023 की परीक्षा 7 मई को आयोजित होने वाली है। वहीं इसका रिजल्ट मई के अंतिम सप्ताह या फिर जून में जारी किया जा सकता है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव वाली याचिका को कोर्ट ने किया निष्पादित। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के ACJ जस्टिस CS सिंह के खंडपीठ के द्वारा राज्य में स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पर्याप्त सुरक्षा का प्रबंध नहीं होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि राज्य के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा स्कूलों की अवस्था और व्यवस्था पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा स्कूलों के लिए राज्य सरकार के द्वारा की गई कार्यवाही को संतोषप्रद माना लेकिन स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए लगातार कार्यवाही होने की उम्मीद भी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया। बिहार में यहां मिला खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति। बीते दिन बिहार के लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में के एक मकान निर्माण के दौरान शौचालय के लिए गड्ढा करने के दौरान भगवान विष्णु की एक पुरातात्विक खंडित मूर्ति मिली है जिसके बाद पूरे क्षेत्र में मूर्ति को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि इस बात की जानकारी मिलते ही DM अमरेंद्र कुमार, SP पंकज कुमार, SDM संजय कुमार, BDO गौतम सिन्हा अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच मूर्ति का अवलोकन किया। बता दें कि मकान मालिक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मूर्ति की लंबाई लगभग 2.5 फीट का है। वहीं अब गड्ढा खुदाई के कार्य को DM के आदेश के बाद रोक दिया गया है। हालांकि मकान निर्माण का कार्य जारी है। बता दें खुदाई में मिली इस खंडित मूर्ति को जिला मुख्यालय में बनाए गए अस्थायी संग्रहालय में रखवा दिया गया है। प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा कॉल कर बताया गया है कि यह मूर्ति 11वीं शताब्दी के आसपास की हो सकती है।
कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस विधायक का बयान। पिछले काफी दिनों से बिहार की राजनीति में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत गरमाई थी, वहीं अब एक बार फिर से इससे जुड़ी नई खबर सामने आ गई है। बता दें कि अब कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस विधायक के नेता अजीत शर्मा के द्वारा कहा गया है कि कैबिनेट विस्तार का मुद्दा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब इसकी जरूरत पड़ेगी उस समय इस मुद्दे पर बात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी मंत्री अपना काम कर रहे हैं और साथ ही सभी मंत्री की यह भी जिम्मेदारी है कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके अलावा अगर बात कैबिनेट विस्तार की है तो इसका फैसला सीएम नीतीश कुमार को करना है, तो उनको जब करना होगा तब वह करेंगे और जो फैसला लेना होगा वह लेंगे। बिहार से महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाएगा आरएसएस। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। ऐसे में आरएसएस के द्वारा खुद के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत वह 2025 तक सूबे के हर मंडल व नगर में संघ की शाखाएं खोलेगा और उसमें नियमित गतिविधियां करने का लक्ष्य रखेगा। इसके साथ ही आरएसएस की ओर से अपने शताब्दी वर्ष और भगवान महावीर के निर्वाण के 2550 वर्ष पूरे होने को लेकर महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया जाएगा, जिसका केंद्र बिंदु बिहार होगा। बता दें कि इस बात की जानकारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा से लौटे संघ के उत्तर पूर्व क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर मोहन सिंह के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि संघ के द्वारा विस्तृत योजना पर कार्य की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि संघ की ओर से शिवाजी महाराज के राज्यारोहण के 350वें वर्ष पर और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर भी देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हार्दिक ने बताया WTC 2023 फाइनल में खेलेंगे या नहीं। 7 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भारतीय टीम के हरफन मौला हार्दिक पांड्या के द्वारा बताया गया है कि वह इस मैच में खेलेंगे या नहीं। उन्होंने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेस्ट टीम में आकर किसी की जगह लेना अभी सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं नैतिक रूप से बहुत मजबूत व्यक्ति हूं। मैंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचने के लिए 10% भी प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए मैं विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने वाली भारतीय टीम का 1% हिस्सा भी नहीं हूं। इसलिए मेरा वहां जाना और किसी और की जगह लेना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं तो मैं उसके लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपना स्थान हासिल करूंगा। इस कारण से मैं WTC फाइनल या भविष्य की टेस्ट सीरीज के लिए तब तक उपलब्ध नहीं रहूंगा जब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना स्थान अर्जित कर लिया हो। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है HK मल्होत्रा, मृत्युंजय कुमार, राजेंद्र सिंह, अभिषेक राज, रंजीत मिश्रा, नन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, योगेंद्र रजक, शंकर मुखिया, कुश कुमार यादव, कुमारी संजना, अजहर हुसैन, राम पुकार, जितेंद्र ठाकुर, मुकेश कुमार, विवेक कन्हैया कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार को क्या क्या मजबूत कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।